हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सेल के ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है बच्चों, ये हमें देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनेल है, ठीक है बच्चों, जो कि सिर्फ यूकैरियोट्स में ही पाया जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होगा, ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। मेम्ब्रेन बाउंड होगा और यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, मेरे वीडियोस देखना आपको पता लगेगा। और फिर हम लोगों को पढ़ना है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दैट इज मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है। मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है बच्चों, मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बनता है? सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, है ना बच्चों, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर होता है और प्रोटीन्स उसमें सबमर्ज्ड रहता है। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि प्रोटीन लिपिड की मेम्ब्रेन बनी होती है, तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी जो मेम्ब्रेन होगा बच्चों वो भी प्रोटीन और लिपिड का बना होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही होता है बच्चों माइटो मीन्स, दैट इज माइटो मीन्स थ्रेड, ठीक है बच्चों, जो पतला थ्रेड देखते हो, थ्रेड जो होता है धागा, वैसा होता है माइटो, ठीक है। माइटो मींस हो गया थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मींस हो गया बच्चों ग्रैनुल, ग्रैनुल हो गया जैसे ग्रेन की तरह स्ट्रक्चर। गेहूं वगैरह का दाना देखा होगा ना बच्चों, ऐसा कुछ होता है गेहूं वगैरह का दाना, तो ये क्या है बच्चों, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है, एकदम पतला सा थ्रेड जैसा, पतला सा जैसे थ्रेड ले लो, कोई भी धागा ले लो, उसको ऐसे करके ऐसा कर दो, उसको गोल टाइप में अरेंज करके रखो, तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है बच्चों। यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। और तीसरा पॉइंट बच्चों की ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है बच्चों। कॉम्पोजिशन देखते हैं क्या है, प्रोटीन लिपिड डीएनए आरएनए राइबोसोम्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो हम लोग ये भी देख रहे हैं, अरे इसमें तो डीएनए आरएनए राइबोसोम्स भी है। डीएनए और हम लोग कहाँ पे देखे थे बच्चों, डीएनए आरएनए न्यूक्लियस में देखे थे, सही पकड़ा आपने, न्यूक्लियस में हम लोग डीएनए आरएनए देखे थे, है ना बच्चों। लेकिन अब हम लोग बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में भी देख रहे हैं, डीएनए भी है, आरएनए भी है, राइबोसोम्स भी है। प्रोटीन लिपिड कहाँ होगा बच्चों, मेम्ब्रेन बनाएगा, ऑब्वियसली है, प्रोटीन लिपिड्स मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करेगा। डीएनए आरएनए राइबोसोम्स, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स यहाँ पे क्यों है बच्चों, है ना, यहाँ पे क्यों है बच्चों डीएनए आरएनए और राइबोसोम्स। तो आइए अब हम लोग पहले स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, इसका आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, ये एक मेम्ब्रेन है ना। और बच्चों ये भी जो आप इनफोल्डिंग्स देख रहे हो, ये भी एक मेम्ब्रेन ही है, ठीक है बच्चों। ये बाहरी मेम्ब्रेन है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो आप इनफोल्डिंग देख रहे हो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ इसका इनफोल्डिंग्स रहता है। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होगा बच्चों, इसका अंदर की तरफ इनफोल्डिंग होगा, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। बाहर वाला मेम्ब्रेन आप देख सकते हो, बाहर वाला मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसे ही अरेंज्ड है राउंड पैटर्न में, तो ये बच्चों हो गया आपको आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन के और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है बच्चों, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है, इस स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों आप फ्लूइड पार्ट देखोगे, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो फ्लूइड पार्ट होगा, मैट्रिक्स का मतलब ही होता है फ्लूइड पार्ट, तो ये बच्चों हो गया फ्लूइड पार्ट, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस है। अब इसी स्पेस में बच्चों आप देखोगे राइबोसोम्स है, इसी स्पेस में बच्चों बहुत सारे एंजाइम्स है, इसी स्पेस में बच्चों आपको डीएनए भी है, आरएनए, इसी स्पेस में आपको सारा कुछ मिलेगा, ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखते हैं बच्चों इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम्स क्यों होता है, ठीक है बच्चों, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स की क्या जरूरत है इसमें। तो बच्चों जो सेल का पावर हाउस है वो कहाँ है, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ सेल। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब पावर कौन जनरेट करा है हमारी बॉडी में, एनर्जी कौन ला रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ला रहा है ना बच्चों। हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी बन रही है वो कौन ला रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया ला रहा है। तो अगर मान लो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की इतनी बड़ी फंक्शन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जनरेट करना है, हमारी बॉडी में एनर्जी लाना है, हम लोग जितना भी फूड खाते हैं, फूड आप लोग लेते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, प्रोटीन लेते हो, है ना बच्चों, ये सारे कुछ लेते हो, लिपिड लेते हो अपने डाइट में, तो ये सब का क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में। ये सब ब्लड में जो ट्रैवल करता है बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स जो भी आप खाने में लेते हो,
उसको क्या करता है बच्चों, सेल्स, सेल्स जो आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, है ना बच्चों, आप ब्लड सेल्स ऑक्सीजन अंदर लेता है ना बच्चों, ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो ब्लड सेल्स जब बच्चों ऑक्सीजन कैरी करता है तो वो ऑक्सीजन क्यों कैरी करता है, ये कभी सोचा है कि सेल को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? बच्चों उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो भी आप खाने में लिए, प्रोटीन लिए, लिपिड लिए, कि उसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों टूटता है, टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया था ग्लूकोज में चेंज होता है ना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बना, उसी तरीके से बच्चों प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स बना, प्रोटीन आपको एमिनो एसिड में टूटेगा, तो बच्चों इन सब को टूटना होगा, ठीक है, ये सब बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब ये टूटेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा। एनर्जी जनरेट किस फॉर्म में होगा बच्चों, हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होगा, एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है, ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है। एटीपी क्या है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको बच्चों हम लोग एटीपी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ही रहता है बच्चों। आप लोग जो दौड़ते हो, जो थकते हो, चलते हो, वर्क के लिए जाते हो, क्लास के लिए जाते हो, तो बच्चों आप लोग एनर्जी कंज्यूम करते हो, वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी में बच्चों, वो एटीपी के फॉर्म में है ना। तो सेल का जो सबसे बड़ा फंक्शन है, पहले हम लोगों ने न्यूक्लियस में देखा था, सेल का सबसे बड़ा फंक्शन न्यूक्लियस में देखा था। न्यूक्लियस में क्या हम लोगों ने देखा था बच्चों, की वो हमारे जो भी पैरेंटल कैरेक्टर्स हैं वो हमारे में ला रहा है ना बच्चों। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखो वो बच्चा बिल्कुल अपने पापा की तरह दिख रहा है, तो वो बच्चों क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसका जो पैरेंटल कैरेक्टर्स है वो उसके बच्चे में आया, फिर बच्चे का पैरेंटल बच्चे का जो कैरेक्टर्स होगा वो उसके जनरेशन आगे वाले जनरेशन में जाएगा। तो बच्चों ये जो पैरेंटल कैरेक्टर्स है वो लाने का, वो आपको अपने आपके अंदर या फिर आपके जो आपके जो आगे वाले जनरेशन होंगे उसमें आपके कैरेक्टर्स को ले जाने का ये सारा काम किसका है, न्यूक्लियस का है ना बच्चों। तो न्यूक्लियस भी मोस्ट ऑफ द वर्क कर रहा है सेल का। सेल का अब मोस्ट ऑफ द वर्क है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब इन सारे प्रोसेसेस को होने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा काम किसको करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, उसको एनर्जी जनरेट करना है ताकि सारा काम हो सके, ताकि आप जिंदा रह सको, है ना। आप लोगों को एनर्जी चाहिए ना बच्चों, दौड़ने के लिए चाहिए, अभी आप लैब में इतना काम करोगे लैब के लिए चाहिए एनर्जी, क्लासेस अटेंड करते हो क्लास में 8-8 घंटा बैठे रहते हो, एनर्जी चाहिए बच्चों, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, है ना बच्चों। तो वो एनर्जी जनरेट कौन कर रहा है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस में भी आप लोगों ने देखा था डबल मेम्ब्रेन था, उसमें भी एनर्जी जनरेट हो रहा था, डीएनए आरएनए सब कुछ था। तो बच्चों इसको भी जब इतना काम करना है बच्चों, तो इसको भी अपना सेल्फ रेप्लिकेशन करना होगा। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसके पास जब डीएनए होगा आरएनए होगा, है ना बच्चों, इसके पास डीएनए होगा आरएनए होगा, राइबोसोम्स होगा, ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर पाएगा, खुद का माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर पाएगा, है ना बच्चों। जैसे कि एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब समझो, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है तो बच्चों दूसरे सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही बन पाए जैसा इस सेल में है, तो उसको बच्चों हम लोग सेल्फ रेप्लिकेशन कहते हैं, है ना बच्चों। अपना आपको लिविंग बींग प्रोड्यूस करना, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये जैसे बैक्टीरिया है तो दो पार्ट्स में ये डिवाइड किया और ये बिल्कुल अपनी तरह का ही बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, है ना बच्चों। तो उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया जब बच्चों डिवाइड करेगा तो वो भी बिल्कुल अपनी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों यही होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, कि वो खुद के तरह का रेप्लिका प्रोड्यूस करता है, खुद के तरह का एक कॉपी प्रोड्यूस करता है, समझ गया बच्चों, खुद के तरह का। जैसे एकदम बिल्कुल मेरी तरह कोई आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कि ये सेल्फ रेप्लिकेट हुआ, है ना बच्चों, मतलब मेरा एक कॉपी आ गया। तो बच्चों कॉपी जो आता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो अपना कॉपी लाएगा, वो किसकी वजह से लाएगा बच्चों, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स की वजह से लाएगा। मैंने आप लोगों को न्यूक्लियस वाले में समझाया था कि डीएनए क्या किस चीज में मदद करता है बच्चों,
डीएनए मदद करता है, वो कैरेक्टर्स को कैरी करता है ना बच्चों, जो भी कैरेक्टर है, जो भी जीन है उसको कैरी करेगा। आरएनए बच्चों क्या करता है, डीएनए फिर आरएनए में चेंज होता है ना बच्चों, आरएनए में ट्रांसक्राइब होता है, आरएनए में चेंज होगा, फिर आरएनए बच्चों राइबोसोम्स, आरएनए मतलब प्रोटीन बनेगा है ना बच्चों, आरएनए प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन कैसे बनेगा बच्चों, राइबोसोम्स की मदद से बनेगा है ना, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, पढ़े थे बच्चों हम लोग सारे, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन बनता है ना बच्चों। तो राइबोसोम्स देखो बच्चों यहाँ पे भी 70S का ही होता है, 70S राइबोसोम्स ही पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बताया था, 70S राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये दो ऑर्गेनेल है वहां पे पाया जाएगा, जो कि आपको बैक्टीरिया में भी पाया जाता है 70S। 70S में कौन कौन सी कैटेगरी आ गई, 50S एंड 30S है ना बच्चों, 50S एंड 30S ठीक है। तो बच्चों ये आप लोगों को याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, जब भी आप देखोगे किसी भी ऑर्गेनेल को जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा बच्चों, तो वो उसके पास क्या क्या होगा, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा ही होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, डीएनए आरएनए राइबोसोम्स, क्योंकि यही आपको कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस में मदद करता है, ठीक है बच्चों, कैरेक्टर को इनहेरिट करने में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बच्चों यही मदद करता है। इसीलिए जहां भी आप देखोगे प्लास्टिड्स में भी, अब नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, उसमें भी आप देखोगे कि वो भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल होगा, उसमें भी डीएनए आरएनए राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप लोगों को समझना है, प्लास्टिड्स का भी मेजर काम है और माइटोकॉन्ड्रिया का भी, ठीक है बच्चों समझ गए। हेल्प्स इन, अब देखो बच्चों फंक्शंस देखो, हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया, सेल्स क्या किया, हम लोग जब ऑक्सीजन लिए, अंदर लिए ऑक्सीजन का इंटेक किए, तो ऑक्सीजन को क्या किया बच्चों, सेल्स ऑक्सीजन की मदद से जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, इन सबको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा, ठीक है बच्चों, छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा तो कुछ एनर्जी जनरेट होगा है ना, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होगा, ठीक है बच्चों, ये इसी में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के जनरेशन में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि जिसके फॉर्म में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड रहता है, उसमें बच्चों कौन मदद करता है एटीपी के जनरेशन में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है। पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस यही है, आपके घर में जो बिजली आती है तो पावर हाउस से आती है ना बच्चों, तो यहाँ पे भी जो बिजली आ रही है, जो एनर्जी आ रही है सेल में, वो किसके थ्रू आ रही है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आ रही है। फॉर्म मेनी इन सेल्स विच रिक्वायर एनर्जी एंड वर्क्स मोर, जो भी सेल्स बच्चों ज्यादा काम करता है उसमें और ज्यादा एनर्जी जिस सेल्स को चाहिए उसी सेल्स में ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो बच्चों कौन से सेल्स होंगे, जैसे आरबीसी है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आरबीसी में क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो क्या रीजन हो सकता है बच्चों आरबीसी में क्यों नहीं माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्योंकि बच्चों आरबीसी का कोई काम नहीं है, है ना बच्चों, आरबीसी का कोई काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी जनरेशन करता है ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एटीपी जनरेशन करता है, लेकिन बच्चों आरबीसी ऐसा नहीं करता है, ठीक है बच्चों, आरबीसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करता एटीपी जनरेशन, और आरबीसी भी करता है एटीपी जनरेशन बच्चों, लेकिन आरबीसी को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं करेगा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा ऑब्वियसली। वो क्या करता है, सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करता है ना बच्चों, आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करके दूसरे सेल्स के पास ले आता है ताकि वो एटीपी जनरेशन कर सके, ठीक है बच्चों। जैसे वर्क्स मोर, यहाँ पे क्या देगा बच्चों, कौन ज्यादा काम करेगा, लिवर सेल्स को 24 घंटा एंजाइम प्रोड्यूस करना, आप 24 घंटा खाओगे तो लिवर 24 घंटा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा है ना बच्चों, तो लिवर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाएगा। हार्ट सेल्स हो गया बच्चों, हार्ट सेल्स में ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि हार्ट को 24 घंटा पंपिंग का काम करना है, 24 घंटा उसको धक धक करना है, तो बच्चों हार्ट सेल्स में ज्यादा पाया जाएगा, समझे बच्चों, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, समझना है। तो बच्चों समझ गए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होगा कि वो खुद का एक कॉपी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है बच्चों। क्यों होगा सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए और राइबोसोम्स पाया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप समझ गए, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, इसमें जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी वो इनफोल्डिंग बनाएगी, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी बच्चों वो बाहर वाली रहेगी, आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, और
अंदर वाली इनफोल्डिंग बनाएगी। अंदर वाले मेम्ब्रेन के अंदर आपको जाओगे तो मैट्रिक्स मिलेगा, उसी में आपको डीएनए रहेगा, आरएनए रहेगा, राइबोसोम्स रहेगा, ठीक है बच्चों, कुछ एंजाइम्स भी रहेगा। उसके बाद फंक्शन हो गया हेल्प्स इन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम लोग क्या सीखे बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब आप ऑक्सीजन अंदर लोगे तो उसको सेल्स क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीजन को जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा और उसी से एटीपी का जनरेशन होगा। एटीपी हो गया बच्चों एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि जिसके फॉर्म में हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पावर जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। फॉर्म मेनी इन सेल्स विच रिक्वायर्स एनर्जी एंड वर्क्स मोर, जो भी सेल्स ज्यादा काम करता है, जिस सेल्स का ज्यादा काम है, जैसे लिवर हो गया, लिवर को 24 घंटे एंजाइम्स प्रोड्यूस करना है बच्चों, आप खाते हो उसके लिए, तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया उन सेल्स में ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप प्लीज बच्चों लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट वगैरह करते रहो, शेयर भी करते रहो, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।